अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। ये देखें ये देखें ये देखें, कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है ये। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है किचन विद रफ़ी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं किचन विद रफ़ी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी रोटी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, 2 कप मैंने लिया था आटा, इसको मैंने बोल के अंदर शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून लिया कुकिंग ऑयल, 1 टेबल स्पून लिया नमक और 1 कप लिया पानी। सबसे पहले आटे के अंदर शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल, और कर देते हैं नमक। हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर दिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। आप इसको ऊपर से कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। जी देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए मैंने आटे को गूंद के ऊपर से कवर कर दिया था। अब बनाते हैं इसके छोटे छोटे पेड़े। तो ग्लव्स मैंने निकाल लिए हैं, ग्लव्स से पेड़े नहीं सही बनते। हाथ मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे इसके, और थोड़ा सा सूखा आटा हाथ पे लगा लेंगे। रखते जाएंगे। जी देखिए, 4 पेड़े बना लिए हैं, बाकी का आटा बच गया था, उसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है। तो सबसे पहले सूखा आटा डस्ट करेंगे और शामिल कर देंगे 1 पेड़ा, और इसको बेल लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया, इतने इसको बड़ा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसको सेट पे करते जाएं, फिर से नीचे सूखा आटा डस्ट करेंगे और 1 पेड़ा रखेंगे, और पेड़े को हाथ से फैला लेंगे। मैं जब भी इस तरह रोटी बनाता हूँ तो मैं सारी रोटी बेल के रख लेता हूँ, फिर इनको मैं तवे के ऊपर डालता जाता हूँ और पकाता जाता हूँ। बहुत ही जल्दी ये रोटियाँ बन जाती हैं। दूसरी रोटी भी हमने बेल ली है, इसको भी साइड पे करते जाएंगे। तीसरी रोटी भी बेल ली है, इसको भी साइड पे कर देते हैं। तो रोटी बनाने के लिए तवा मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम रखेंगे मीडियम, और कुकिंग ऑयल से तवे को ब्रश कर देंगे। हमारे पास पुराना तवा है, इस पर बहुत ज़बरदस्त रोटी बनती है। पुराने तवे के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त रोटी पकती है। तवा गर्म हो गया है, अब इसके ऊपर शामिल कर देते हैं रोटी जो हमने बेल के रखी हुई थी। एक साइड से हो गई है, अब इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए, अब इसको दबा दबा के पका लेंगे। ये देखिए कितनी जबरदस्त हमारी रोटी फूल रही है। ये घी ब्रश कर सकते हैं या आप कुकिंग ऑयल ब्रश कर सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से पक गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सी रोटी आपकी फूलेगी। ये देखिए कर देते हैं। देखा आपने, एक बार आप रोटियों को बेल के रख लें तो फिर बहुत जल्दी ये बन जाती है। ये देखें, इसी तरह आपकी रोटी फूली फूली बनेगी। रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश आ रही थी कि रफ़ी भाई रोटी बनाना सिखाएं। देखिए, सारी रोटियां हमने बना ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। ये देखें ये देखें ये देखें, कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है ये।
तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है किचन विद रफ़ी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त, अपना और अपने घरों का ख्याल रखें, मुझे दो में याद रखें, मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फन के साथ, अल्लाह हाफिज़।